14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, ये दिन हर प्रेमी जोड़े के लिए एक बड़ा दिन होता है और आज ये शुभ दिन है और यहाँ पे प्रेमी जोड़े एक साथ दिखाई देते हैं, वैलेंटाइंस मनाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रिकेटर्स की जिंदगी को लेकर। क्रिकेटर्स की जिंदगी आम तौर पर ग्लैमर भरी मानी जाती है, ऐसे में उनकी जिंदगी में होने वाली चीज़ों पर लोग नज़र रखते हैं। फैंस ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कब क्या हुआ और वो क्या रही, उनकी लव स्टोरी क्या रही, उनकी शादी किससे हुई और क्या क्या घटनाएं हुई उनके पसंदीदा क्रिकेटर्स के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ भारत के सबसे दिग्गज क्रिकेटर्स के बारे में और उनकी लव स्टोरी के बारे में कि उनकी लव स्टोरी कैसी रही। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी से। ये दोनों कपल विरुष्का के नाम से प्रचलित है। साल 2013 में ये पहली बार मिले थे, एक एड शूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों में दोस्ती हुई। इसके बाद धीरे धीरे मीडिया में खबर आने लगी कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। साल 2015 में ऐसी खबरें आई थी कि ये दोनों अलग हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और साल 2017 में इन दोनों ने इटली में जाकर शादी कर ली। अब बात करते हैं पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली अपनी बचपन की फ्रेंड डेना के साथ घर छोड़कर भागकर शादी कर लिए थे। सौरभ और डेना पड़ोसी थे और एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन सौरभ गांगुली ये बात जानते थे कि डेना से शादी करने के लिए उनका परिवार कभी राजी नहीं होगा। इसी वजह से डेना को सौरभ गांगुली ने घर छोड़कर भागने का रास्ता चुना और दोनों अब साथ रहते हैं। अब अगली बात करते हैं रोहित शर्मा। साल 2015 में इसी दिन रितिका सचदेहा से शादी कर ली थी। दोनों 6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उसके बाद शादी रचा ली। रितिका स्पोर्ट्स और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजर रह चुकी हैं, तभी से दोनों अच्छे दोस्त थे। काम की वजह से इन दोनों की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात फिर शादी में तब्दील हो गई। अब बात करते हैं भारत के सबसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को अपना प्यार एयरपोर्ट पर मिला। दोनों की मुलाकात शादी से करीब 5 साल पहले हुई थी, 1990 में मुंबई एयरपोर्ट। जब सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड के दौरे से वापस लौट रहे थे, तभी अंजलि वहां पर थी और उन दोनों की मुलाकात हुई थी। जब पहली बार अंजलि ने सचिन को एयरपोर्ट पर देखा तो उन्हें बेहद क्यूट लगे, जिसके बाद अंजलि ऑटोग्राफ के लिए मास्टर ब्लास्टर के पीछे भागी। 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने अंजलि से 1995 में शादी कर ली। वहीं बात करते हैं अब शिखर धवन, जिन्हें गब्बर के नाम से जाना जाता है। फेसबुक के जरिए शिखर धवन को अपना प्यार मिला। शिखर धवन ने आयशा को पहली बार फेसबुक पर देखा था। हरभजन सिंह की प्रोफाइल में आयशा को देखते ही वो उस पर पागल हो गए और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन उन्हें लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर आयशा उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन रिक्वेस्ट भेजते ही आयशा ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर फेसबुक पर दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू हो गई और बातें गहरी दोस्ती तक जा पहुंची और उसके बाद इन दोनों ने 2012 में शादी कर ली। तो ये थे वैलेंटाइंस डे के दिन भारत के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वैलेंटाइंस और लव स्टोरी जो हम ने आप तक साझा किया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट्स के जरिए बताएं और आपकी कौन सी लव स्टोरी अगर आप साझा करना चाहते हैं तो उसको भी अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। एक्साइज स्पोर्ट्स के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।